So welcome back students. As you know that we are studying about chapter number 9, weather, climate and adaptations. Got it? And in our last class we had discussed about adaptations to cold climates, polar regions ke bare mein hum logo ne padha tha. Clear? Aur kuch aise animals ke bare mein padha tha jo ki colder climates mein rehte hain. Birds ke bare mein bhi humne dekha tha. सो बेटा आज हम क्या करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडेप्टेशंस टू हॉट क्लाइमेट्स, यानी हॉट क्लाइमेट्स में रहने वाले एनिमल्स की एडेप्टेशंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट थिंग क्या होती है इनकी बेटा कि ये क्या करते हैं, दे स्पेंड डे टाइम इन बरोज एंड, यानी ये दिन में क्या करते हैं, बरोज में अपने रहते हैं या जो भी इनका शेल्टर होता है ये वहाँ पे दिन में पड़े रहते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि दिन में जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. क्लियर. एंड कम्स आउट एट नाइट फॉर फूड, मींस दिन में ये अपने बरोज में या शेल्टर में पड़े रहते हैं एंड रात में ये किसकी तलाश में निकलते हैं बाहर, फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड. दे विल कम आउट एट नाइट. क्लियर. एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज नॉक्टर्नल एनिमल्स. गॉट इट. अब बेटा सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे, लॉन्ग ईयर्स एंड टेल्स एंड लार्ज ईयर्स. ठीक है, सॉरी, लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स एंड लार्ज ईयर्स. इसमें दिया कि इनके पास क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो हॉट क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं उनके लेग्स भी लॉन्ग होते हैं, टेल्स भी लॉन्ग होती है, लार्ज ईयर्स होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं बेटा. इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं एनिमल्स उनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं. ठीक है, स्मॉल टेल होती है, छोटे पैर होते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वो क्या करते हैं, किस लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो हीट रिड्यूस होती है, ठीक है, जो वहाँ से हीट लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो फॉर रिड्यूसिंग द हीट लॉस, कि हीट लॉस न हो उसे कम करने के लिए वो छोटे उनके ईयर्स होते थे, लेग्स होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को हमें नहीं करना है. यहाँ पे क्या करना है, हमें वाटर लॉस जो है वो क्या करना है, वाटर लॉस को बचाना है और जो हीट है उसको हमें जैसे कि अपनी बॉडी के करीब नहीं आने देना. ठीक है, इसकी वजह से ऐसे एनिमल्स होते हैं हॉट क्लाइमेट्स में जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, टेल्स होते हैं, लार्ज ईयर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हीट होती है बॉडी की वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलती है और पहले निकलती है. ठीक है, लाइक फेनिक फॉक्स, यू कैन ऑब्जर्व दिस एनिमल. ये आप लोग इस फॉक्स को देख सकते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट्स में पाई जाती है डेजर्ट एरियाज़ में. इसके ईयर्स आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसे एनिमल्स जो हॉट क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं. क्लियर. नाउ सी, स्वेट पैंट एंड लिक टू कूल देमसेल्व्स, यानी ये क्या करते हैं, स्वेटिंग होती है, ठीक है, लिक करते हैं, जैसे अपनी बॉडी को लिक करना टंग की हेल्प से, तो ये करते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए, टू कूल देमसेल्व्स. बट बेटा ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग क्या है, इंक्रीज करती है वाटर लॉस को. ठीक है, अब जब वाटर लॉस को इंक्रीज करेगी तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि पानी की कमी है ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, सपोज़ हम ही लोग जाते हैं और हम लोग ऐसे जगह पे, सपोज़ हम करते हैं कि मेरा घर ऐसे जगह पे है जहाँ पे कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे पास एक बकेट वाटर है फॉर वन डे. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब उस एक बकेट को हमने फर्स्ट जो दिन का पहला आवर है उसी में हमने कंज्यूम कर लिया, तो देन क्या होगा, अब हमें तो वाटर मिलने से रहा. ठीक है, सो अब क्या होगा, हमारा पूरा वो दिन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सर्वाइव करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, होगी ना, वैसे ही इनके साथ भी होता है. क्लियर. इन लास्ट क्लास, यानी लास्ट क्लास का मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, क्लास 6, आप लोगों ने पढ़ा होगा
कैमल के बारे में बेटा। कैमल में क्या है, कैमल के पास एक हम्प होता है जो कि फैट स्टोर करता है, ठीक है। कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं कैमल को। तो ये हम्प क्या करता है बेटा, ये फैट स्टोर करता है। और फैट क्या होता है, जो भी स्टोर्ड होता है कैमल्स के पास, वो ये बाद में जब इनके पास फूड की शॉर्टेज होती है तो ये इसी फैट का यूज़ करते हैं फॉर सर्वाइविंग, क्लियर। सेकेंड है कि कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, यानी कि ये एक बार में बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। क्षमता होती है कि एक साथ ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये ड्रिंक कर सकते हैं, क्लियर। लिटिल स्वेटिंग एंड रिलीज लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन टू, यानी इनके अंदर स्वेटिंग भी कम होती है और यूरिन भी ये जो रिलीज करते हैं वेस्ट के फॉर्म में वो भी बहुत ही कम रिलीज करते हैं, क्लियर। सो बेटा यहाँ से क्या हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि ये जो वाटर लॉस है, यहाँ पे ये वाटर लॉस जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कैमल जो है वो इजिली सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट में। नेक्स्ट है फीट हैविंग लार्ज सोल्स, यानी फीट जो इनके होते हैं लार्ज, बड़े सोल्स होते हैं। हम एक तरह से देखें तो ये कहेंगे कि वेब्ड टाइप के होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इजिली सैंड पे, डेजर्ट में सैंड पाई जाती है, सैंडी होती है वहाँ पे, तो ये इजिली वहाँ पे सैंड में रेत में रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, क्लियर बेटा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट एडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट्स, गॉट इट। एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन विथ सम न्यू टाइप ऑफ एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, गॉट इट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।